किसी भी चीज में सक्सेस को पाने के लिए हमारे पेरेंट्स का, कोचेस का, गुरुओं का, और अगर आप किसी कंपनी में हैं तो एचआर का क्या रोल होता है, आज हम लोग इस सेशन में स्टोरी के थ्रू जानेंगे, और ये रियल स्टोरी है। स्टार्ट कहां से करेंगे? आज से 4 दिन पहले आई गॉट अ मेल। एक लड़की ने मुझे मेल किया। वो लिखते हैं उस मेल में कि उसका 9th में 10th में 11th में परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। स्कूल में वो हर बार टॉप रहती थी। सो, उसको किसी ने सजेस्ट किया कि जेई के लिए प्रिपेयर करो, तो उसने जेई का कोचिंग ज्वाइन किया। पहला जब टेस्ट दिया तो उसके मार्क्स कम आए, किसी ने उसको गाइड ही नहीं किया। दूसरे में मार्क्स और गिर गए, और इस तरह से रेगुलरली मार्क्स गिरते गए। फाइनली ना तो वो जेई की कोचिंग में अच्छा परफॉर्म कर रही है, ना ही वो स्कूल में परफॉर्म अच्छा कर रही है। दोनों जगह से वो गिर गई, परफॉर्मेंस उसकी गिर गई। सो ऐसी स्टेजेस में पेरेंट का, कोच का और गुरु का क्या रोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता है। अगर आप किसी प्रीवियस कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक से किसी कंपनी में आपका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस गिर जाता है, तो उस केस में ऐसी बात नहीं है कि आपके पास एबिलिटी नहीं है, सिर्फ वक्त वक्त की बात है। और इस चीज को उस कंपनी के एचआर को समझना चाहिए। हारते हैं जिंदगी में, ऐसे मूवमेंट आते हैं, लेकिन जो हारा है इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। उसको गाइडेंस की, उसको काउंसलिंग की जरूरत है। जिन बच्चों के माँ बाप हैं, उन माँ बाप को अपना रोल निभाना चाहिए, अपने बच्चों को काउंसिल करना चाहिए। जब वो हार जाए, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, बैठो उनके साथ, उनको बोलो यू आर द विनर, यू आर द चैंपियन, बिलीव इन योरसेल्फ। तुम्हें काउंसिल करने के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए कोई नहीं है ना, वो है। तो बस लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो काउंसलिंग काम कर सकती है, जो आपकी गाइडेंस काम कर सकती है, उस वक्त जिस वक्त वो बच्चा टूटा हुआ है, वो एम्प्लॉई बुझा बुझा महसूस कर रहा है, शायद वो बाहर निकल के आए आपकी काउंसलिंग के बाद, आपकी गाइडेंस के बाद। सो पेरेंट्स जो देख रहे हैं या फिर एचआर जो कंपनी में देख रहे हैं, आपका रोल है। हर किसी में नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव देखना आपका काम नहीं है। उसमें क्या पॉजिटिव है उसको चुन चुन के बाहर निकालना और उससे उसका बेस्ट निकालना, ये काम है आपका।